हुआ इंटरव्यू? अच्छा गया था सर, बहुत बढ़िया। सर कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था। ओके सर, माध्यम क्या था आपका? इंग्लिश। और ऑप्शनल? मेरा लॉ। लॉ, ओके सर। तो बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने कैसे की, कोचिंग का सहारा लिया है? नहीं, अपने आप से करा। सेल्फ स्टडी की जा सकती है या कोचिंग लेना? सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। देखो, कोचिंग इट कैन हेल्प यू विद लाइक आई विल से थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देगा आपको, जो है कंसेप्ट क्लियर करा देगा, बट इवेंचुअली आपको खुद से ही करना है। ओके तो सर बात करें आपकी यूपीएससी की तैयारी आपने क्यों की, मतलब क्या सोच कर आए, मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली आई वर्क फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वेलफेयर, सो वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है। एंड मैं 3-4 साल से मैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए काफ़ी, मैं एनजीओ रिगार्डिंग दी सेफ सेक्स एजुकेशन एंड ऑल दैट काफ़ी हेल्प में मैं कर रहा हूँ। काफ़ी ट्रस्ट से मैं ज्वाइन हूँ, किनमा ट्रस्ट जो है उन सब के साथ मैं एसोसिएट हूँ। लेकिन कई हद तक हमें जो है अथॉरिटी पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एंड सिविल सर्विसेज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना सिर्फ विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि ये लोगों को जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि यहाँ पे सारे आदमी, औरतें, जो भी अलग वेराइट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बेसिकली एक नीच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके तो सर बात करें जो प्रीलिम्स आने वाला है 28 मार्च को, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? वेल बेसिकली अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन अगर आपका क्लियर नहीं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। और अपना आपका मोटिवेटेड बहुत ज़रूरी रखना है। टेस्ट सीरीज जितने हो सके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाएं, और बाकी तो कोई मेरे हिसाब से रखता है। ओके सर, और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सेम है, बिल्कुल सिंपल। ओके सर, मैंने एक बात और सर, कि अगर मेंस के लिए है तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब आपका एनसीईआरटी अच्छे तरीके से थॉरली रिवाइज हो जाए, और आपके फाउंडेशन जो आपकी बुक्स है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आपको है बिपिन चंद्र आपकी अच्छे से, अगर आपको है लक्ष्मीकांत, आपको पॉलिटिक्स अच्छे से, आपको मतलब पूरी मगअप नहीं करनी है, एसेंस आपको आना चाहिए। आपको फिर जो है अपने वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़े, उसके बाद लगता है कि हाँ, नाउ यू आर कैपेबल, कि आप आंसर लिख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखो कि क्या क्वेश्चन, क्या इसके जिस्ट क्या है, उसको समझो। देन उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करो, इवेंचुअली यू विल गेट इम्प्रोवाइज डे बाई डे। एक दिन आप नहीं कर सकते ना, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट टाइम के साथ साथ आप कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट जो रहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनको समझ नहीं आता, तो कैसे? वेरी सिंपल, द हिंदू। ओके सर, तो द हिंदू आपने सेल्फ पढ़ा या एक कमेंट आया था या एनालिसिस का? मैं एक्चुअल में सही बताऊँ, मैं दृष्टि आईएएस का जो आपका जो आता है ना बुलेटिन शाम को, मैं एक्चुअली आई एम वर्किंग, नाम ले सकते हैं कंपनी, आई वर्क फॉर अ प्राइवेट कंपनी, सो मेरा फुल टाइम वर्किंग होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता न्यूज़पेपर पढ़ने का। मेरी शिफ्ट भी ऐसी होती है कि मैं कभी नाइट में काम करता हूँ, कभी मैं दिन में करता हूँ, कभी मेरा मिक्स होता है। सो मेरे लिए बेसिकली ये था कि मैं सुनना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, न्यूज़ को मैं एज अ रीडिंग के बजाय मैं सुनना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और उसको मैं अपने दिमाग में एक तरीके से फीड करना ज़्यादा प्रोसेस, मतलब इसमें बिलीव करता हूँ। तो वहीं से मैंने शुरू करा, फिर बाकी धीरे धीरे करके वीकेंड्स में मैं अपना न्यूज़पेपर अच्छे से थॉरली रिवाइज कर। सर बात करें इंटरव्यू बोर्ड की, मतलब कौन सा बोर्ड था? बीबी व्यास सर का बोर्ड था। okay, और काफ़ी जॉली नेचर, मतलब अच्छा है, बहुत लाइट मूड था। ज़्यादा से टेंशन देते हैं ना आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नो वरीज, वेरी सिंपल। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं करंट से? क्वेश्चन करंट अफेयर से, डाफ से नॉर्मली ज़्यादा पूछते हैं। डाफ जो मैंने भरा था, मैं किस एनजीओ के साथ काम करता हूँ, मैं एनजीओ के लिए एक्चुअल में मेरे दिमाग में ख्याल कैसे आया, और मैं सिविल सर्विसेज से कैसे मैं उससे और अपने स्टेटस को या अपने एनजीओ जो मैं जिसके साथ या मेरा जो मोटिव था, जो मेरा एडवोकेसी है, उसको मैं कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर लाइक अभी अर्थक्वेक हुआ टर्की में अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें पूछी गई थी, कि ज्योग्राफी जो है उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी नॉर्मल इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान एज़ वेल। बात करें गैप की, जो मेंस के बाद मतलब गैप मिला आपको, तो उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या सोच? पहली बात तो मैं ज़्यादा, मैं देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, बट द थिंग इज़ मैं अपने आप को मैं मोटिवेटेड रखता था। okay. अपने फादर से डिस्कशन करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते रहना, कम्युनिकेशन रखना, बाकी नॉर्मली मैं इंटरव्यूज़ देखता था अच्छे से, उनको समझता था कि कैसे होते हैं, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि अदर इंटरव्यूज़ जो होते हैं, कोई भी अलग हो गया, उन इंटरव्यूज़ को देखता था कि कंटेस्टेंट है कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जो अपनी जो है बातें रखता है, तो किस तरीके से रखता है, कैसे मॉड्यूलेशन रखता है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है आपका एनवायरनमेंट, तो उस पर काफ़ी वर्क हो रहा, बिकॉज मैं स्टमर का मुझे काफ़ी प्रॉब्लम था, आई यूज़ टू लाइक स्टमर अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बट इवेंचुअली आई वर्क अ लॉट,
काफ़ी जो है काम करा उस पर, तो वो जो है दिक्कत थी वो काफ़ी हट गई। तो सर जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी में आना चाहते हैं वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आप आना ही क्यों चाहते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न होता है, उस रीज़न का पहले ढूंढो। अगर आपका सिर्फ मोटिव है, आपको सिर्फ पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर पॉलिटिक्स एज वेल डियर। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आप पावर और पॉलिटिक्स, पावर और अथॉरिटी के साथ साथ आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हो, ऐसे पॉलिटिशियंस भी हमारे करते हैं, बट द थिंग इज पॉलिटिशियन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन अलग है, एज ए ब्यूरोक्रेट हमारा अलग होता है ना। वी हैव टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट थिंग, वी हैव टू टेक दी पीपल एज वेल, उनके सेंटीमेंट्स को देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली रियली मेक्स डिफरेंस। तो उस चीज़ पे थोड़ा असर को, बाकी जो है तैयारी करनी है तो अपनी फाउंडेशन बुक एनसीईआरटी वेरी बस, ज़्यादा बुक्स मत रखो। अगर लोग कह रहे हैं ना ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, नो, वेरी सिंपल, लूज इट, ज़्यादा टेंशन नहीं, ईजी रखो। जितना आप ईजी रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। लाइफ इज जस्ट लाइक अ बलून, जितना आप प्रेशराइज करते हो ना इट इवेंचुअली गोना बी बर्स्ट अप। अगर आप ज़्यादा प्रेशर रखोगे, लेट इट ईजी, बहुत काम रखो, जितना आप काम रखोगे ना अपने दिमाग पे सब कुछ हो जाएगा।